वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत का 4 नंबर पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका को पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य लेखिका का अर्थ होता है संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। प्रायः इस पाठ की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य में अमर है। इस पाठ में संस्कृत साहित्य की रचना और संरक्षण में स्त्रियों के भूमिका को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। संस्कृत साहित्य लेखिका का अर्थ होता है संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं। सामाजस्य यानं पुरुषैः नारीभिः चलति साहित्येऽपि उभयोः समानं महत्त्वम्। अधुना सर्वभाषासु साहित्यरचनायां स्त्री अपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। इसका हिंदी अर्थ है समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलती है, साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं। तत्पर का अर्थ सावधान है और यश भी पा रही हैं। जिस तरह समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलती है, उसी तरह साहित्य में भी पुरुषों और स्त्रियों का समान महत्व है और आज सभी भाषाओं में स्त्रियां पुरुषों से आगे भी है और यश भी कमा रही हैं। संस्कृत साहित्य अपि प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्ध योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते पाठ्यस्मिन् अति प्रसिद्ध नाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते एन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायेत। इसका हिंदी अर्थ है संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम अधिक के रूप में प्राप्त होता रहा है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं का ही चर्चा है, जिससे साहित्य रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी होती है। संस्कृत साहित्य के रचना और संरक्षण में इस पाठ में स्त्रियों के भूमिका के बारे में बताया गया है। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः कविभिः शास्त्रैः संवर्धितम् वैदिक कालादारभ्य शास्त्रनाम काव्यानाञ्च रचने संरक्षणे यथा पुरुषा दत्चिता अभवन् तथैव स्त्री अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। वैदिक युगे मन्त्रनाम दर्शका न केवला ऋषियः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। ऋग्वेदे चतुर्विंशतिरथर्ववेदे च पञ्च ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्देश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वगाम्भीरिणी इत्यादय। इसका हिंदी अर्थ है विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुष के समान स्त्रियां भी सावधान थी। वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां उल्लेखित हैं, जैसे यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वगाम्भीरिणी आदि आदि। जो विशाल संस्कृत साहित्य है, यह विभिन्न प्रकार के कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा रचना किया गया है। ऐसा नहीं है इसमें केवल ऋषियों का योगदान है, बल्कि ऋषि पत्नियों का भी संस्कृत साहित्य के रचना में और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णितायाम याज्ञवल्क्य आत्मतत्व शिक्षयति। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति अस्म। महाभारते अपि जीवन पर्यन्तं वेदांतानुशीलन पराया सुलभया वर्णनं लभ्यते। इसका हिंदी अर्थ है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक एक प्रकार का उपनिषद है। इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि याज्ञवल्क की पत्नी कौन थी, तो याज्ञवल्क की पत्नी मैत्रेयी थी, जो दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है, जिनको याज्ञवल्क जी ने आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। जनक के सभा में शास्त्रार्थ करने के लिए गार्गी नामक विदुषी रहती थी।
विदुषी किसको कहा जाता है? तो विद्वान पत्नी को विदुषी कहा जाता है। जिस तरह पुरुष विद्वान होते हैं उसी तरह स्त्रियां विदुषी होती है। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अध्ययन में स्त्रियां रही, यह बात आसानी से वर्णन में मिलती है। महाभारत हो या वेद मंत्र हो या उपनिषद हो, सब में स्त्रियों का योगदान कम या अधिक है, लेकिन जरूर है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंशत् कौ इत्री नाम सार्थशतम् पद यानी अस्फुट रूपेण इतस्तु लभ्यन्ते तासु बीज्यांका प्रथम कल्पा वर्तते सा च श्याम वर्णा सीदिति पदेनानेन अस्फुटी भवति। यह एक श्लोक है। नीलोत्पल दल श्यामा बीज्यांकाम जानता बीर्थेव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। इसका हिंदी अर्थ है, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का 150 पदे अस्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त हैं, उसमें बीज्यांका का प्रथम कल्प है। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 150 पदे अस्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त है, उनमें जो प्रथम कल्प थी वह बीज्यांका थी। वह श्याम वर्ण की थी, जैसे श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे, तो श्याम वर्ण का अर्थ सांवला होता है। तो जो बीज्यांका थी वह सांवले रंग की थी, यह इस पद से स्पष्ट होता है। यह पद दिया हुआ है, एक श्लोका है, इसमें बीज्यांका को श्याम वर्ण बताया गया है, यानी श्री कृष्ण जिस रंग के थे उसी रंग के इसमें बताया गया है। नीले कमल के समान श्याम वर्ण की बीज्यांका को न जानते हुए सरस्वती को सर शुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया। बीज्यांका जो थी वह श्याम वर्ण की थी और उनके पास सरस्वती का विशाल भंडार था, तो उनके रंग से मतलब नहीं था, बल्कि उनके पास ज्ञान का एक विशाल भंडार था, उसी के बारे में इस श्लोक में कहा गया है। तस्या काल अष्टम शतकमित्य नुनियते चालुक वंशीयस चंद्र द्वितीयस रागी विजय भट्टारिकैव बीज्यांका इति मन्यते, किंच शिला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्राम्बा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदी प्रसिद्धा। इसका हिंदी अर्थ है, उनका समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। जो श्याम वर्ण की बीज्यांका थी, जिसके पास सरस्वती का भंडार था अर्थात विद्या का भंडार था, उनका समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। 8वीं शताब्दी का अर्थ होता है 700 ईस्वी से लेकर 799 ईस्वी तक। 700 से 799 ईस्वी तक को 8वीं शताब्दी कहा जाता है। अनेक विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही बीज्यांका है। बहुत से विद्वान चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका को ही बीज्यांका मानते हैं। कुछ और शिला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्राम्बा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविताएँ प्रसिद्ध हैं। शिला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्राम्बा ये सब दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं हैं, जिनकी कविताएं पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन नीति विदित मेव तेषा मन्त पूरे अपि संस्कृत रचना कुशला रागियो अभवन कंपन रायस्य चतुर्द शतकम रागी गंगा देवी मथुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरे विजय घटना मा श्रित्य रचयत तत्रालंकारानाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते। विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है। उनके अंतःपुर में, अंतःपुर का अर्थ होता है महल का वह भाग जहाँ पे स्त्रियाँ रहती है। स्त्रियों के लिए महल का एक भाग होता है जिसे अंतःपुर कहा जाता है। तो विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा के रक्षा के लिए बहुत अधिक प्रयास किया हुआ था। उनके अंतःपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मथुरा विजयम नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय घटना के आश्रय में रचना की। उनमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछता है कंपन राय की रानी कौन थी, तो गंगा देवी थी। गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की, तो मथुरा विजयम नामक काव्य की रचना की हुई थी। तस्मिन्नेव राजे षोडश शतके शासनम कुर्वता अच्युत रायस्य रागी तिरुम लाम्बावर दाम्बिका परिणय
नामकम प्रौढ़म चंपू काव्यम अरचियते तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पद्यावलिया ललित पद विन्यासेन चातीव शोभते। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। इसका हिंदी अर्थ है, उनके ही राज में 16वीं शताब्दी में राज करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा ने वरदामिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। विजयनगर के राज में 16वीं शताब्दी में राज करते हुए अच्युत राय की रानी जो तिरुमलाम्बा थी, उसने वरदामिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। काव्य को इंग्लिश में पोएट्री कहा जाता है। एक होता है गद्य और दूसरा होता है पद। तो पद को काव्य कहा जाता है, जिसमें श्लोक आता है, गीत आता है, कविता आता है, तो उसी को काव्य कहा जाता है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा काव्य कौन है, तो महाभारत है। दुनिया का सबसे बड़ा काव्य महाभारत है, उसमें 100,000 श्लोक है। उनमें संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। वरदामिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य में संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय यानी बहुत अधिक मनोहर है, मन को हर लेने वाला है। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। वरदामिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग हुआ है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा राव 1890 ईस्वी से 1953 ईस्वी नाम धेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में बहुत सारे जैसे विजयांका थी, तिरुमलाम्बा थी, उसी तरह आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता जीवन चरित पर शंकर चरितम की रचना की। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति ही इत्यादि अनेक पद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती वर्तमान काले लेखनर तासु कवित्रिषु पुष्पा दीक्षिता वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतयो अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूर्यंती। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद की रचना की। पंडित क्षमा राव जो थी, उसने अपने पिता शंकर पांडुरंग की महान विद्वता पर शंकर चरितम रचना की और गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद की रचना की। इन सब की रचना पंडित क्षमा राव ने की थी। इस समय लेखन कार्य में संलग्न कवित्रियों में आज के इस काल में लेखन कार्य में संलग्न कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित है, वनमाला भवालकर है, मिथिलेश कुमारी मिश्र है आदि आए दिन संस्कृत साहित्य को पूरा करते हैं। तो हम लोगों ने इस पाठ में संस्कृत साहित्य की लेखिकाओं के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।